हाँ जी आ गए। आज अभी चल रहा है आपका ब्रसल्स में दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, तो दिवाली से पहले ये फेस्टिवल, ये आपका एटोमियम, ये एटोमियम का पास में अभी चल रहा है आपका दिवाली फेस्टिवल। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चल रहा है। चारों तरफ जी लाउड म्यूजिक और बहुत ही पार्टी सा वाइब चल रहा है, तो हमने ये कॉपीराइट के चक्कर में वॉइस ओवर चूज किए। सो हमें काफी ये अलग सा लगता है ये वॉइस ओवर करना, नेचुरलिटी वो वीडियो का चला जाता है। तो चलिए कोई नहीं, आ गए जी फर्स्ट देसी शॉप में, जो हैदराबादी वाला शॉप है, फूड पांडा नाम है। हमने उनसे परमिशन ले ली वीडियो की, और ये जी देखिए हैदराबादी चिकन बिरयानी, और ये आपका चिकन फ्राई, बड़ा फ्राई, आपका मिर्ची भाजी, गोलगप्पे, क्या कुछ नहीं है। फिर मैडम जी एक अंग्रेज को हाउ टू ईट गोलगप्पे सिखाने के बाद हम लोग ऑर्डर दे दिए। ये देखिए गोलगप्पे फ्राई हो रहे हैं और हमारा ऑर्डर वहां पर मिर्ची भाजी का कटिंग हो रहा है। ये जी हैदराबादी मिर्ची भाजी, बहुत दिन हो गया हम लोग टेस्ट नहीं किए। और ये जी चिकन बिरयानी, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे जल्दी से मिलना चाहिए पहले। तो ये हमारा गोल गप्पे या पानी पूरी जो भी कह लीजिए आ गया हमारे हाथ में। तो बस थोड़े से गोलगप्पे के अंदर में हमने मसाला डालने का जगह डाल के अब इसमें चटनी डालना है जी। चटनी मैडम जी, चटनी डालिए, चम्मच चम्मच से चटनी मत डालिए, पूरा वो ग्लास उठा के डाल दीजिए तभी ना आएगा टेस्ट। हाँ हाँ, ग्लास उठा के डाल दीजिए तभी ना आएगा टेस्ट इसका। साना शुरू कर, बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैडम जी आप भी ले लीजिए, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। और ये आपका मसाला, इसने आलू और चने के साथ एकदम प्लेन सिंपल सा मसाला, कोई ज्यादा तीखा नहीं, कुछ नहीं, बट ताकि सब कोई खा सके, बहुत बढ़िया। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें डाल के, चटनी डाल के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या मिर्ची भाजी, मिर्ची भाजी थोड़ा सा नींबू अगर आप ऊपर से छिड़क लेते ना तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है जी। तो साना शुरू कर मिर्ची भाजी, बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मैडम जी आप थोड़ा सा टेस्ट कीजिए मिर्ची भाजी के ऊपर, वे लोग थोड़ा सा डाल के दिए ऑनियन वगैरह, थोड़ा सा मिर्ची, मतलब हम लोग बोले थे उनको थोड़ा सा स्पाइस डालिए, बढ़िया यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट। बहुत सालों के बाद हमें मिर्ची भाजी का टेस्ट मिला, कुछ दिन पहले सरवाना भवन में ट्राई किए थे बट यहाँ का ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा था। तो आ गए जी नेक्स्ट दुकान पे, यहाँ पर आपका चल रहा है, बहुत भीड़ है इनका, यहाँ पर डोसा चल रहा है, मसाला डोसा, वहाँ पर समोसा वगैरह डाल के रखे हैं, बहुत भीड़ है इसमें। छोले भटूरे भी इनका बहुत फेमस है पर हमने ये ट्राई नहीं किया। तो ये जी नेक्स्ट दुकान में चिकन 65, प्राइस वगैरह सारा रिजनेबल है, 6-7 यूरो, मैक्सिमम 10 यूरो के आसपास प्राइस रहते हैं। और ये देखिए हैदराबादी बिरयानी, हमने रिक्वेस्ट करा एक बार दिखा दीजिए झलक हैदराबादी बिरयानी का, हो वाओ मजा आ गया जी। और आप चिकन 65 के साथ कॉम्बिनेशन में भी बिरयानी ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉल, ये एकदम समा बांध दिया, एकदम मजा आ गया जी। और यहाँ पर कबाब, समोसे, थोड़ा चाट वगैरह, पनीर का आइटम, मतलब यहाँ पर वेज नॉन वेज खाने वाले सबके बल्ले बल्ले है, सबको मिल जाएगा अपना ये सॉल्ट एंड पेपर। तो अभी अगला शॉप की तरफ जा रहे हैं, ये जी कोलकाता स्पेशल, देखते हैं जी कोलकाता स्पेशल क्या है। और ये जी खूबसूरत एटोमियम, हम लोग आ गए जी टेस्ट ऑफ कोलकाता में। आहा लूची आलू दम, लूची कोसा मांसो, वाओ कोसा मांसो में इन लोग मटन दे रहे हैं जी। और उसका पास इसका वेज चॉप, फिश बटर फ्राई, बहुत कुछ है जी।
और रहा नहीं जा रहा है, चलिए ऑर्डर देते हैं। और ये जी आलू दम, आलू दम और लूची एक कॉम्बिनेशन है, और आलू दम और ये मटन, लूची एंड मटन, पूड़ी और मटन एक अलग कॉम्बिनेशन है। तो हमने ले ली जी मटन, और हाँ हाँ दे दीजिए जी पूड़ी। तो ये है 3 पीस पूड़ी के साथ 3 पीस मटन, अराउंड 10 यूरो इनका चार्जेस है। और ये जी चिकन ड्रम स्टिक, वाह बहुत ही लजीज, बहुत ही बढ़िया। हमने डिसाइड किया हर दुकान से नहीं, मैक्सिमम दुकान से थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे। और ये देखिए क्या लजीज दिख रहा है जी मटन वाली, वाओ मटन का ग्रेवी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी थोड़ा सा पूड़ी तो लीजिए और ग्रेवी में डाल के फिर इसका, बंगाली में ना ये इमोशन है आपका, लूची एंड मांसो, पूड़ी को लूची बोलते हैं बंगाली में। तो ये साना टेस्ट करके बता कैसा है। मैडम जी आप टेस्ट कीजिए, हमारा दो हाथ ब्लॉक्ड है, एक हाथ में तो आपका मोबाइल है, दूसरा हाथ में आपका गोप्रो है, एक शॉर्ट्स चल रहा है। तो हमारा चैनल में काफी शॉर्ट्स का भी वीडियो है, जबरदस्त वीडियो है, देखिएगा जरूर। और ये जी गया मटन एंड पूड़ी का कॉम्बिनेशन, बढ़िया। स्पीचलेस बहुत बहुत लजीज था इसका टेस्ट। या बहुत बढ़िया। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने ऑर्डर और वहां पर दिए हैं आपका फिश बटर फ्राई। तो ये 2 पीस फिश के साथ एक मस्टर्ड सॉस देते हैं जो कोलकाता स्पेशल, बंगाली स्पेशल जिसको बोलते हैं कासुंदी, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग इसका कॉम्बिनेशन है आपका फिश के साथ, फिश फ्राई के साथ अगर आप मस्टर्ड सॉस का ये कॉम्बिनेशन आप लेते हो, बहुत बढ़िया जी, एकदम पाइपिंग हॉट जिसको बोलते हैं, एकदम गर्मा गर्म फिश बटर फ्राई आ गया जी। और थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस इसमें आप डीप कीजिए, देखिएगा केयरफुल, बहुत ही गर्म है, एकदम धुआं निकल रहा है, एकदम एकदम गर्मा गर्म फिश बटर फ्राई साना, केयरफुल मस्टर्ड सॉस में थोड़ा सा डीप करके, बढ़िया। अब थोड़ा सा ऑनियन भी टेस्ट लीजिए इसका मैडम जी, केयरफुल एकदम फूक मार के शुरू कीजिए, बहुत ही गर्मा गर्म है जी, बहुत ही गर्म है, केयरफुल, वाओ बढ़िया। और ये देखिए रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया जी, रात होने को है, शाम होने को है, और यहाँ पर भीड़ और ज्यादा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, चारों तरफ म्यूजिक 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 चल रहा है। ये जनरली दिवाली का एक हफ्ता पहले ही होता है, तो हमें अच्छा लगा ये आपका दिवाली का पहले वाला वीकेंड में हुआ, सो बहुत बढ़िया। सैटरडे संडे काफी स्टॉल है यहाँ पर, मतलब मोस्टली अपना इंडियन खाना ही है, और कुछ ड्रिंक्स की भी दुकान भी है, एक रेस्टोरेंट भी है जी ब्रसल्स में। हाँ हाँ आ रहे हैं, अच्छा ये देखिए पनीर वगैरह, थोड़ा सा कबाब और सॉसेज वगैरह बीटा है, पनीर 65, चिकन 65, और इधर इनका चाट का काउंटर है, बहुत बढ़िया। ये देखिए कुछ ग्रेवी वाला आइटम, और ये जी चिकन 65, कुछ सॉसेज, कुछ कबाब, पनीर के आइटम, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो हमने ले लिया आपका इनका चिकन 65, तो ये जी चिकन 65, ओहो गोप्रो थोड़ा नीचे हो गया, इमोशनल हो गए थे चिकन 65 देख के। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी स्पाइस काफी बैलेंस्ड है ताकि सब कोई टेस्ट कर सके, नॉट ओनली इंडियंस। और ये जी मोमो, बहुत स्पाइसी चटनी के साथ मोमो साना ट्राई कर रही है, सॉसेज सॉस में भी डिप करके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
वीडियो एडिटिंग के टाइम में इतना सारा खाना देख के मैं फिर से पानी आ रहा है जी। तो ये जी फिर से आपका सॉसेज, एकदम स्पाइसी चटनी हमने बोले थे, स्पाइसी वाला चटनी दे दीजिए। एक स्पाइसी चटनी में डीप करके, हाँ हाँ थोड़ा सा गर्म है, बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया। हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं जी ओरिजिनल साउंड को, बट क्या करें, चारों तरफ लाउड म्यूजिक चल रहा है जी। आज थोड़ा सा सूप पी लीजिए ये मोमो के बाद, और ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है जी एटोमियम, पूरा एकदम एकदम अलग सा ही दिख रहा है जी, रात का एटोमियम अलग सा ही दिखता है, चारों तरफ रोशनी रोशनी, एकदम म्यूजिक। और ये जी तिरुपति बालाजी, अब दर्शन करके आगे बढ़ते हैं, जय हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये आगे और भी कुछ रेस्टोरेंट्स है, इस तरफ हम लोग काफी ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट्स कवर कर चुके हैं, और उस तरफ आपका दिल्ली स्पेशल गुजराती स्पेशल रेस्टोरेंट्स है, वहां जाएंगे। और ये देखिए जी, वाओ इट्स अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और एकदम म्यूजिक। ये आर्ट ऑफ इंडिया इनका ऑर्गेनाइजर है, तो यहाँ पर बहुत ही कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, डांस चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट चल रहे हैं, और इसके बाद चलेगा आपका इसका फायरवर्क्स भी है इसका प्रोग्राम, बट पता नहीं रात को 8 बजे के आसपास में बहुत बारिश का प्रेडिक्शन है, हम पता नहीं हम लोग रुक पाएंगे नहीं। और ये दिग्गज जी छोले भटूरे, हो छोले भटूरे जी, इनका दुकान पे काफी फेमस लग रहा है, छोले तो बहुत ही बढ़िया खिले खिले छोले लग रहे हैं, तो थोड़े से छोले ले लिए। अब थोड़ा सा आप, हाँ जी थोड़ा सा सलाद दे दीजिए, और नीचे इसका किसका चटनी है जी, हाँ ओके, थोड़ा खजूर वाला चटनी है, ऑनियन है, पुदीना का चटनी है, ठीक है जो भी देते हैं, थोड़ा सा सलाद के साथ छोले भटूरे दे दीजिए, बस और क्या चाहिए, आ जाएगा मजा, आहा गर्मा गर्म देते तो मजा आ जाता है, हमने काफी रिक्वेस्ट किए तो ये बोले एकदम ये अभी तल के रखे हैं, तो ये ले लीजिए। और ये देखिए चल रहा है एक ग्रुप डांस प्रोग्राम, ओहो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब एक अलग सा ही ये लग रहा माहौल लग रहा है, सब आदमी खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और बहुत, तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन नहीं, इंडियन बेल्जियन और डिफरेंट अदर कंट्रीज का बड़े बड़े है, बहुत ही बढ़िया। तो हमें मिल गया अपना छोले भटूरे, तो ये है अपना छोले भटूरे, रात हो गया बट चलेगा चलेगा जी, काफी कुछ खा चुके हैं, थोड़ा 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 हर दुकान से, ज्यादातर दुकान से हम लोग ले रहे हैं खाना, अब पता नहीं और कितना कवर कर पाएंगे, अभी ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, चलिए आप एक बार टेस्ट करके बताइए कैसा है, छोले तो बढ़िया लग रहा है, भटूरा भी बस थोड़े देर पहले ही है, थोड़ा फुले फुले भटूरा मिल जाते ना और मजा आ जाता है, और इन्होंने एक भटूरे दिए हैं, हमने सोचा यार दो भटूरे मिल जाते ना, मतलब कुछ भी आप खा लो, छोले भटूरे जब देखते हो ना तो बस वही खाने का है, छोले भटूरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी टेस्ट करके बताइए। बढ़िया, यस बहुत बढ़िया, छोले एकदम सिंपल सा छोले है बट टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इधर प्रोग्राम एकदम जोर शोर से चल रहा है, और ऑलमोस्ट 6:30-7:15 हो चुका है, कभी भी बारिश आ सकती है, पर हमने यहाँ पर देखिए काफी भीड़ के रखा है, बहुत बढ़िया है ये म्यूजिक, अगर आपको सुना पाते ना तो एकदम मजा आ जाता। बट क्या करें, ये आपका कॉपीराइट का चक्कर है और क्या, देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या खाना है जी, थोड़ा हैदराबादी स्पेशल खाना मिल जाए ना तो मजा आ जाए जी, हैदराबादी स्पेशल वहाँ पर आगे देखें जी, वहाँ पर कुछ पुनुगुलू वगैरह है,
मिर्ची भाजी पुनुगुलू, ये आपका हैदराबादी का ऑथेंटिक आपका डिश है। तो देखते हैं आगे कुछ पुनुगुलू वगैरह मिल जाते हैं तो, हमने देखे थे आगे तो शायद अभी भी होगा। बहुत बढ़िया, गुलाब जामुन भी है, ये देखिए जी गुलाब जामुन, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये कुछ चिकन का प्रिपरेशन है, और ये देखिए छोले, और ये जो सेफ है ये बहुत ही एकदम बहुत ही बड़े आदमी हैं, और म्यूजिक के साथ इनको डांस का भी बहुत शौक है, ये देखिए जी। वेल डन वेल डन वेल डन, अब एक गुजराती ट्यून में इनका डांस है जी। आपका पुनुगुलु बहुत देर से इसका इंतजार में थे, अरे काफी पीसेस दे रहे हैं जी पुनुगुलु का। और चटनी देखते हैं जी, चटनी ही है इसका ओरिजिनल गेम चेंजर। पुनुगुलु के साथ आपका दो तरीका का चटनी ये सर्व करेंगे, और ये जी देखिए, और ये पतला सी आपका वाइट नारियल वाला चटनी, और ये आपका टमाटो वाला चटनी। इसके बिना पुनुगुलु का टेस्ट आपका और मतलब ये पूरा नहीं होता। बहुत ही बढ़िया था ये शॉप। तो ये आ गया जी पुनुगुलु का प्लेट, तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू कर साना। वाह, सीधे चटनी में डाल और टेस्ट करके बता कैसा है, बढ़िया। यस यस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी। आप मैडम जी, आप थोड़ा सा इसका टमाटो का चटनी इसके साथ टेस्ट करके बताइए कैसा है, बढ़िया। मजा आ गया जी, मजा आ गया, सही में एकदम सही में मजा आ गया जी, इतने साल हैदराबाद में जो रहे। वी आर मिसिंग पुनुगुलु, हैदराबादी स्नैक्स रियली। ब्रसल्स में काफी जगह पे आपको मिल जाएगा, सबसे ऑथेंटिक है आपका सरवाना भवन। तो अगर आप ब्रसल्स में हैं तो गूगल में सर्च करके सरवाना भवन जरूर जाइए। ये जी आ गए चिकन बिरयानी, हैदराबादी चिकन बिरयानी का काउंटर में। सुबह यहाँ शाम को यहाँ से हम लोग वो आपका मिर्ची भाजी वगैरह लिए थे, तो बिरयानी एकदम लास्ट के लिए बचा के रखे हैं, और काफी सारा चिकन का पीस दे रहे हैं जी। वाओ, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, एकदम गर्मा गर्म हैदराबादी बिरयानी अगर आपको मिल जाए तो बस क्या कहना। अच्छा, थोड़ा अनियन बरसता भी डाल दिए, अब रायता दीजिए जी, रायता, उसके बिना बिरयानी। यस यस, मिल गया जी रायता। अंधेरा हो चुका है काफी, लाइट थोड़ा कम है, बट टेस्ट जबरदस्त है। ये थोड़ा सा चिकन का पीस लेके अब चम्मच के साथ बिरयानी डाल खा लीजिए, खा के बताइए कैसा है जी। एकदम खिला खिला चावल, बहुत बढ़िया लग रहा है, अंधेरा में इसका रूप रंग नहीं दिख रहा है, बट टेस्ट से पता चलेगा। वाओ, हो वाओ, एकदम बढ़िया। और हाँ जी, थोड़ा सा रायता भी ले लीजिए, बढ़िया है, बढ़िया है जी, बढ़िया है। अफसाना तू भी ट्राई कर ले थोड़ा सा, हाँ बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। ओ थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया जी, जल्दी जल्दी निकलना है जी, अब 5 से खाना खत्म करते हैं, बहुत बहुत खा चुके हैं। बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, ये आपका मीठा पान, और ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ पर अभी कुछ ब्राइडल शो होने वाला है, तो हम लोग बस उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और इसके साथ ही ये ब्यूटीफुल सा हमारा दिवाली फेस्टिवल, जो दिवाली फेस्टिवल और फूड फेस्टिवल दोनों साथ में है हमारे लिए, तो हम लोग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बढ़िया लगा होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जल्दी मिलेंगे, और हमारा शॉर्ट्स का वीडियो भी इस चैनल में है तो वो ज़रूर देखिए। और आपको दिवाली का एडवांस बहुत बहुत शुभेच्छा, और आपको हैप्पी दिवाली जी। चलिए बाय बाय।